अधिवक्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर पैदल मार्च किया, कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया। जनपद मीनपुरी के अधिवक्ताओं ने केंद्र सरकार से अपनी मांगों को लेकर सिविल कोर्ट से कलेक्ट्रेट मीनपुरी तक पैदल मार्च किया और कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया। अधिवक्ता हितों व उनकी समस्याओं के निदान हेतु भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट व जिला बार एसोसिएशन की संयुक्त बैठक में पारित प्रस्तावों के अनुरूप 10 सूत्री मांगों को लेकर पूर्व में ज्ञापन दिया था, परंतु उस ज्ञापन पर केंद्र सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। इसीलिए भारतीय विधिज्ञ परिषद के आह्वान पर आए दिनांक 11 फरवरी 2019 को उन्हीं मांगों को लेकर समस्त बार एसोसिएशन ने जिला अधिकारी को ज्ञापन देने का निर्णय किया। समस्त बार एसोसिएशन ने दिनांक 12 फरवरी 2019 को पटियाला हाउस से जंतर मंतर तक मार्च एवं शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया है। अधिवक्ताओं के हितों के लिए ज्ञापन के माध्यम से निम्न आवश्यक व्यवस्थाओं की पूर्ति के लिए बजट में प्रावधान करने की मांग की गई है। इससे लेके हम लोगों के लिए सरकार, किसी भी सरकार ने कोई कार्य नहीं किया और हम लोग हर कार्य से वंचित है। पेंशन मिलनी चाहिए और फंड भी मिलना चाहिए। कोई भी हमारे अधिवक्ता भाइयों के लिए कोई सुविधा नहीं है। हम लोग इतना बड़ा आंदोलन करें जो एक दिन देश में वकीलों के लिए सरकार को झुकना पड़े, और ये सरकार को झुकाना ही हम लोगों का दायित्व है।